हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान और उनके बापों की संख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चली आ रही देवी देवता, पाप पुण्य, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, गुरु शिष्य और जाति पाति तथा छोटे बड़े का भेदभाव ही भारत की परंपरा रही है। यहाँ के लोगों के मन में अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव भरा पड़ा है। लोग भगवान भक्ति में लीन होकर समय की बर्बादी कर रहे हैं। यह हिंदू धर्म में समान रूप से देखी जा सकती है, यह पाई जा सकती है। परंपरा का शाब्दिक अर्थ है बिना व्यवधान की संकरा रूप में जारी रहना है, जिसको आज भी ब्राह्मणों ने जारी रखे हैं, जो आज भी भारतीय समाज इसमें लिप्त है। कलम कसाई ब्राह्मण का धर्मशास्त्र कहता है कि मंदिरों में स्थापित भगवान और देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, जबकि भारत आज की तारीख में भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब के लगभग है। 1 अरब जनसंख्या वाला भारत में 33 करोड़ भगवान का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब एक भगवान के 3 सेवक है, यानी 3 व्यक्तियों की कमाई पर भारत का एक भगवान और ब्राह्मण मौज मस्ती कर रहा है, क्योंकि उनके बाप ने यहाँ के लोगों में यह चोस ठूस ठूस कर भर दिया है कि भगवान सर्वोपरि होता है और ब्राह्मण देवता होता है। इस धरती पर जो कुछ भी है सब भगवान और ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। आदमी तभी तक जिंदा रहता है जब तक भगवान चाहता है। भगवान का नाराज होना आदमी की बर्बादी और मौत है। इसी सोच ने भारत के तमाम मूल निवासियों को मानसिक रूप से गुलाम और कमज़ोर बना दिया है। आज की तारीख में मात्र 2% लोग ही जो वास्तविक को मानते हैं, भगवान को नकारते हैं। शेष सभी लोग, यानी 33 करोड़ लोग भगवान के सामने नतमस्तक हैं। ये भगवान भी अकेले नहीं हैं। इस देश में 33 करोड़ भगवान के 3 करोड़ बाप हैं, यानी भारत की कुल जनसंख्या का 3% ब्राह्मण भगवान के बाप हैं, यानी भारत में कुल जनसंख्या का 3% ब्राह्मण भगवान के बाप हैं। भगवान और उनके बापों का देश कहाँ है? भारत में भगवानों का इतिहास कहता है कि भारत हड़प्पा और मोहनजोदड़े संस्कृति के समय एशियाई लंपट और सिंधु घाटी के पास पातालपुरी में प्रवेश किए थे, जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और नारद प्रमुख थे। इनके साथ मात्र 500 सैनिक और 111 प्रशिक्षित महिलाएं थीं। इन महिलाओं में 108 विष कन्याएं थीं। ये सभी भारत के आदिवासी राजा महाराजाओं को अपने माया जाल में फंसाने का काम करती थी। दुर्गा सप्तमी में माँ दुर्गा को महामाया की उपाधि दी गई है। जो राजा इन लड़कियों के जाल में फंस जाते थे, उन्हें ये धोखे से हत्या कर देती थी। इन लुटेरों ने सबसे पहले पातालपुरी के आदिवासी राजा को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर हत्या कर दी और राज्य पर अधिकार कर लिया। पातालपुरी पर अधिकार करने के बाद भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। यहाँ भी इन्हीं विष कन्याओं के बल पर लूट और हत्या करने लगी। आदिवासी राजा महाराजाओं की हत्या होती रही, आधिपत्य भी बढ़ता गया, लुटेरों के और दल भी आते रहे, इन्हीं लुटेरों के साथ मिलकर लूटते और हत्याएं करते रहे। इन लुटेरों में शक, हून, यवन, कुषाण, पुर्तगाल, मुगल और अंत में अंग्रेजों का दल आया। इन लुटेरों में सबसे वरिष्ठ ब्रह्मा थे। इस कारण लुटेरों की सबसे पहली पहचान ब्रह्मा के नाम पर ब्राह्मण के रूप में की गई।
कालक्रम में इन लुटेरों की मौत होती गई और ये विदेशी लुटेरे कलम कसाई ब्राह्मण उन्हें भगवान बनाते गए, देवी देवता बनाते गए, जिनकी संख्या 1932 के आते आते 33 करोड़ हो गई। जब 1932 के समय भारत की कुल जनसंख्या 32 करोड़ थी और 32 करोड़ जनसंख्या वाला भारत में 33 करोड़ भगवान कहां से आ गए, यह एक विचारणीय प्रश्न है। यही प्रश्न इस बात की पुष्टि भी करता है कि भारत में यूरेशियाई लोगों की मौत कालक्रम से होती गई और ब्राह्मण उन्हें भगवान बनाते गए। इनमें कई मूल निवासी भी हैं जिनमें ब्राह्मणीकरण किया गया है। ब्राह्मणीकरण किए गए भगवानों में कृष्ण का नाम प्रमुख है, जिसके लिए उसने स्वयं लिखा है, गोरे नंद यशोदा गोरी दुमकक श्याम शरीर चुटकी हस्ते बाल बाल सब सिके बेल बलबीर। भगवान के इन इतिहासों से देखने के बाद स्पष्ट कहा जाता है, भगवान और भगवान के बाप अंग्रेजों की ही तरह विदेशी मूल के वंशज हैं। भारत के भगवान और देवी देवताओं की नैतिकता का अध्ययन करने पर जानकारी मिलती है कि विद्या की देवी सरस्वती ने आज़ादी के पूर्व किसी भी आदिवासी को कालिदास नहीं बनाया, किसी को पढ़ाने के लिए प्रसन्न नहीं हुई। यहाँ सहायक शिक्षा के देवता विश्वकर्मा ने किसी को भी इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनाया और किसी का घर आलीशान नहीं बनाया। धन की देवी देवी कहे जाने वाली लक्ष्मी माँ ने किसी के घर धन दौलत से नहीं भरा, जबकि सभी मूल निवासी इन्हीं भगवान और देवी देवताओं को देवता मानते रहे, पूजा अर्चना करते रहे, दान दक्षिणा देते रहे। भगवानों की यह नैतिकता ही उन्हें विदेशी होने का स्पष्ट परिणाम है। एक इस बात की पुष्टि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज से होती है, जिसमें लिखा है, भारत में आर्य मध्य एशिया से आए हैं, जिसके लिए उन्होंने ढेर सारे सबूत लिखा है। दूसरा, ब्रह्मा समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने 1877 में एक महंगी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, भद्र पुरुषों, अंग्रेजों के भारत में आगमन को पिछड़े हुए चचेरे भाइयों के प्राचीन आर्य वंश में दो परिवारों की संतान के पुनः मिलन के रूप में हम देखते हैं। तीसरा, यहाँ 1884 में राजा राय मोहन राय ने लंदन जा कर के कहा था, मैं पूर्व से पश्चिम में आया कि मुझे एक बार फिर महसूस होता है कि पूरी आर्य नस्ल का भाईचारा हमें एकत्रित करता है, वो हमारी प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। चौथा, जब 1894 में मोहनदास करमचंद गांधी ने एक पत्र में लिखा है कि अंग्रेज इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि भारतीय आर्य यूरेशियाई हैं और अच्छा बर्ताव चाहते हैं, इन सारे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत के भगवान और उनके बाप अंग्रेजों की तरह विदेशी मूलवंश के हैं। इनके डीएनए के अनुसंधान का रिपोर्ट भी कहता है कि भारत के ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन लोगों के डीएनए से 100% मिलता है, यानी कि भारत के ब्राह्मणों के डीएनए से अंग्रेजों की तरह विदेशी मूलवंश के हैं। लेकिन आज उन मूल निवासियों को अच्युत का संज्ञान देकर उसे पाप की दृष्टि से देखते हैं और जो मानते हैं उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, जिसको बनाने में अपनी हथौड़ी की चोट लगाकर रूप दिया। साथियों, जागो, उठो और अपने अधिकार को समझो। धर्म मनुष्य के लिए नहीं है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। धर्म संप्रदाय और उनको चलाने वाले को तथा इतिहास लिखने वाले को ध्यान होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास हो, किसी एक को ऊपर और किसी एक को नीचा नहीं करना चाहिए। ज्ञान पाना सबका अधिकार है, बुद्धि का विकास शिक्षा से संभव है और यह प्रत्येक व्यक्ति का सर्वप्रिय लक्ष्य होना चाहिए।
मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना और समाज को जगाने में मेरा साथ दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी और आपकी यह YouTube चैनल विक्रम कुमार 35 को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।